फ्रेंड्स, दिस इज मिगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बी टाउन के बादशाह यानी अमिताभ बच्चन, उनके एक्टिंग के लोग आज भी दीवाने हैं, पर उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा क्यों भागती है एक्टिंग से, ये समझ नहीं आ रहा। चलिए लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस कोलावेरी कोलावेरी डी। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पोती नव्या नवेली नंदा सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर है। फैंस नव्या के इतने बड़े फैन हैं कि वो उनको फिल्मों में देखना चाहते हैं, पर नव्या है जो अपने फैंस के दिलों की बातों को समझना ही नहीं चाह रही है और वो दूर भागना चाहती है इस लाइमलाइट से। नव्या के भाई अगस्त्य नंदा ने भी लास्ट ईयर द अर्चीज से डेब्यू किया था, तो वहीं फैंस अपनी निगाहें बिछाकर नव्या का वेट कर रहे हैं, पर उनके हैं कुछ और बेहतरीन प्लान्स। दरअसल नव्या फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा अपने फैमिली बिजनेस की तरफ झुकाव रखती है। नव्या ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने करियर को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के दोनों पक्षों के पास बहुत विरासत है। उनके पापा के साइड से 4 पीढ़ियों से लंबा बिजनेस है, जिसको नव्या संभालने का प्लान बना रही है। साथ ही उनके लिए करियर बनाने का ये सीधा रास्ता है, बजाय ये कि फिल्मी दुनिया में एक दूसरे से कंपटीशन करते रहे, नव्या को बिजनेस ज्यादा प्यारी है। वैसे आपको बता दें, नव्या अपने पापा के फैमिली बिजनेस एस्कॉर्ट्स ग्रुप में तब से है जब वो सिर्फ 21 साल की थी। नव्या ने कहा कि उनके दादा और पापा ने उनका पालन पोषण दिल्ली में किया था, जहां पर स्टॉक मार्केट और ट्रैक्टर्स को लेकर काफी कम उम्र से ही बातचीत होती थी। इन्हीं सब चर्चाओं के चलते उन्हें फैमिली बिजनेस समझने में आसानी हुई। नव्या को ये चीज पता है कि वो एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती है, जिसके चलते उनकी लाइफ बाकी लोगों से काफी आसान है। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, फैमिली का एडवांटेज मिला। नव्या को इन सभी बातों का एहसास है, जिसके लिए वो आभार भी व्यक्त करती हैं। वैसे नव्या सिर्फ बिजनेस ही नहीं करती, वो एक यूट्यूबर भी हैं। उनका पॉडकास्ट शो काफी पॉपुलर है, व्हाट द हेल नव्या। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।